नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आप देख रहे हैं मुझे टीवी से बॉलीवुड तक के चैनल पर। और अभी आप लोग, हम लोग बैठे हुए हैं शाम की सवारी में सेट पर, जो कलर्स पर आता है शाम को 6 बजे हर रोज। और मेरे साथ में बैठे हैं मिस्टर आरुष श्रीवास्तव, ये रक्षम गर्व प्ले कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने ज्वाइन किया है। तो 10 मिनट है ना, तो ये आ रहे हैं, एंग्री यंग मैन बन गए हैं, ये करते चाचू मेरे कैरेक्टर में आने के लिए। और काफ़ी जिंदा दिल इंसान है हमारे चाचू, चाचू नहीं होते हैं तो सेट बड़ा फीका फीका सा लगता है। सुनो सुनो सपना पूजा, इनके साथ सीन करने का मज़ा ही कुछ और, जब इनके साथ सीन करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोग हंसे मस्ती ना हो। तो ये एक्चुअली में बड़े जिंदा दिल इंसान है, हमारे सेट पर जो इतनी पॉजिटिविटी है, जो इतना हंसी मजाक होता रहता है, सब चाचू ये जो सबके अंदर आते हैं, कुछ एनर्जी भर देते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछो, इनसे पूछो कुछ। बताओ क्या तुमको, तुम मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। अच्छा नहीं, वो कुछ क्या पूछना है आप बताओ, क्या पूछना, आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, आप ऐसा क्या मैजिक करते हैं जो आपसे लोग खुश रहे, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, मतलब सर एक्टर खुश है आपसे? मैं सब एक से एक घटिया और गंदी बातें करता हूँ, तो जितने लोग उस एनर्जी के होते हैं वो सब मेरी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्या होता है ना, ये हमारे थोड़ा लेवल को मैचअप कर देते हैं, ये इनकी बहुत अच्छी वो आदत है कि जिस इंसान से बात करो उसके लेवल पे आगे बात करते हैं। नहीं यार, क्या होता है, देखो क्या है कि मेरी शादी को 15 साल हो गए, शादीशुदा आदमी हूँ मैं, तो मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ना तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो घर पे जाके तो पता ही आपको सब शादीशुदा लोगों का क्या हालत होती है, हम लोग वो सेवा करनी पड़ती है, यहाँ से कितने भी धक्के खा कर जाओ। मैं सेट पे लंच भी इन्हीं के साथ करता हूँ। अच्छा ये बताओ, इनका तो शादी हो चुका 15 साल, आपका? और हमारे दादू और हम तीन मिलके साथ में लंच करते हैं। इनकी भी शादी हो गई, 15 साल हो गए इनकी शादी को, बस मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने नहीं जा रहे हैं अभी किसी को, बस थोड़ा सर्जरी वर्जरी करा के उम्र कम करा ली है मैंने। अच्छा सर, ये तो हो गया बात की बात, हम बात कर अभी क्या चल रहे थे, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अभी शूटिंग चल रही? नहीं नहीं, शूटिंग तो चल रही है, अभी सीन में देख रहे थे। अच्छा, वो हाँ, वो डालमिया इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नित्यम को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके कारण काफी जो डालमिया इंडस्ट्रीज के जो शेयर के प्राइस है वो काफी गिर गए। अभी आप लोगों को पता ही, आपने जो कांड देखा, छत से नोट गिरे ऐसा झटका झटक, तो उसके कारण बहुत ज्यादा बदनामी हो गई, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया देशभक्त नहीं है, ये टैक्स बराबर नहीं देता, तो लोग काफ़ी खफा हैं, तो इस कारण शेयर के प्राइस गिर गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हमारी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ गई है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। तो इस कारण वो लोग आए थे नित्यम का रेजिग्नेशन लेने के लिए, तो बस उसी से रिलेटेड सीन था। मैंने देखा सीन में, जब सीन चला था तो आखिरी में देखा, जब नित्यम आपके कांधे पर हाथ रुक बोलता है, अब बोलता है यहीं पर कोई ना कोई जिसने हमारा बर्बादी किया है, यहीं पर खड़े हैं, तब आपको कितना फट रहा था, देख रहा था, क्या था सीन? फट रहा था एक्चुअली, जैसे तो रिवील हो ही चुका है कि कहीं ना कहीं जो भी कॉन्स्पिरेसी है शो के अंदर, जो भी नित्यम के साथ उसकी लाइफ में बुरा हो गया है, वो सब मैं ही करा रहा हूँ। तो ये एक चाल में से एक मेरी चाल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंने बुलवाया घर पे, ताकि उनके दिमाग में ये आइडिया डालना कि इंडस्ट्री को अगर बचाना है तो CEO जो है अगर वो रिज़ाइन कर देगा तो इंडस्ट्री हम कहीं ना कहीं बच जाएगी, बहुत सारे परिवार हैं जो ख़त्म होने से बच जाएंगे। तो वो इसी बात को लेके कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि ये आए, सो मैं थोड़ा डबल साइडेड प्ले कर रहा था, बट मुझे एक पॉइंट पर लगा कि हाँ आई थिंक इसको नित्यम को पता चल गया कि ये सब के पीछे कौन है, तो वो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि उसका शक मुझ पर है, बट सडनली वो शिफ्ट करता है मिस्टर मेहता जी की, तब जाके मुझे रिलैक्स होता है कि नहीं मैं चलो चलो बुलाओ सबको, आंख चोरी करने लग जाते हैं, ब्रेक के पहले खत्म कर आंख चोरी करने लग जाते हैं, आंख नीचे कर लेते हैं, अब जैसे नित्य वहां तक सुनो जाइए, क्योंकि मैं बताता हूँ वो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये शो के अंदर काफी कर्मकांडी पुरुष है, और आपने सुनो उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, दाढ़ी तो है, अभी तिनका ढूंढने के लिए इन्होंने मुंह नीचे किया था, लेकिन इनको तिनका दिखा नहीं, तो अभी मेकअप रूम में जाके देखेंगे। मैं एक बात बताऊं सर, आप तो सब सब है, लेकिन आप हमेशा इतना सीधा क्यों है चाचू, जितना वो था आजकल कोई चीज में, मतलब आजकल सीधा, इतना सीधा प्ले अभी दिख रहे हैं, पहले कितना टेढ़ा थे चाचू, क्या है तुम्हारे प्रभाव नहीं, तब तो मुझे बुला रहे। अच्छा ठीक है, माइक ले गए वो,